जय माता दी, हैप्पी दुर्गा पूजा। आज हम आपके साथ इस ब्लॉग में नवरात्र की आखिरी यानी नौमी पूजा की पूरी विधि हमने कैसे करी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब संकल्प विधि चल रही है, बाकी भगवान जी की पूजा हो चुकी है। और अब माता का यहाँ पर पूरा श्रृंगार होगा। माता को यहाँ पे चुन्नी उठाई जा रही है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियोस हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमने अपनी माता रानी के लिए सोने की नथ बनवाई है, और ये आज हम अपनी माता रानी को यहाँ पे धारण करवाएंगे। कमेंट्स में बताना कि आपको माता की नथ कैसी लगी। और यहाँ पर हमने अपनी माता रानी को यथासंभव सामर्थ्य अनुसार छोटी सी माता रानी को सोने की चेन चढ़ाई है। अब यहाँ पर माता रानी के चरणों की सेवा की जा रही है। दूध दही घी शहद पंचोपचार माता के चरणों का अभिषेक होगा। दग्ध्यानीतं मया देवास्नारथं प्रतिगृहीतां शुद्ध जल से अग्निनाः सेदाः सेदा जनस्वधमा वामादुयस्वा स्वाहा कृतं दृगलोकधी मधुनत्तामुतो खसो मधुमस्तार्थयुगं रजा मधुधौरस्तु न पिताः भूर्भुवस्वागुंसुनाते आगुंसुहा प्रजदाम्बरुखावरुगन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः चरणों की पूजा के बाद हम अपनी माता रानी को यहाँ पे पुष्प माला धारण करवाएंगी। और अब हम अपनी माता रानी को यहाँ पे 51 बेलपत्र अर्पित करेंगे और गणपति बप्पा को यहाँ पे दूर्वा घास अर्पित करेंगे। यथासंभव आप 108 या फिर 1100 जो आप संभव सामर्थ्य अनुसार बेलपत्र अर्पित कर सकते हो। माता रानी को धूप दीप दिखाने के बाद यहाँ पे नवेद्य अर्पित करेंगे, कुछ मिष्ठान माता को अर्पित करेंगे। यहाँ पे इमरती और बर्फी का माता रानी को भोग लगाया गया है। माता रानी को काले चने हलवा पूड़ी खीर बहुत प्रिय है, तो माता के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने भोग का भेंट बनाया है। मान्यता है कि माता का 9 दिन का व्रत होता है और नौमी के दिन माता भोजन को ग्रहण करती हैं। और अब हम यहाँ पे माता रानी को दाल मखाने और नारियल के गोले की माला माता को अर्पित करेंगे। मुख
शुद्धि के लिए आप अपनी माता रानी को यहाँ पे तांबूल यानी कि पान पत्र यानी कि पान माता को अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से आप लोगों के साथ वीडियोस फ़ोटोज शेयर नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा बुखार है, जुकाम भी हो चुका है, तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और यहाँ पर अब अपनी माता रानी को नारियल सुपारी पान माता को यहाँ पर वार कर अर्पित करेंगे। और जैसे कि आपको पता है नवरात्र की नौमी चल रही है और नौमी के दिन माता का हवन होता है, तो यहाँ पे हवन कुंड की पूजा हो रही है, अग्नि देवता का आवाहन हो रहा है और माता को पूर्ण आहुति हवन कुंड में दी जाती है जो माता ग्रहण करती हैं। हवन पूर्ण हो जाने के बाद यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम सूखा नारियल का गोला हवन कुंड में अर्पित करेंगे। हवन पूर्ण होने के बाद हाथ में सभी लोग अक्षत पुष्प लेके माता को पुष्पांजलि देंगे और फिर अक्षत और पुष्प माता के ऊपर जिनको भी हमने आवाहन किया है सबके ऊपर हम अक्षत को समर्पित करके पुनरागमन के लिए माता रानी को विदा करेंगे। फिर यहाँ पे पंडित जी गोद भराई करवाते हैं, जो यहाँ पे गोद भराई की रस्म हो रही है, माता रानी को कि यहाँ पे गोद भरी जा रही है।